हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ अमेज़ॉन से लिए हुए सारे फैंसी एंड ट्रेंडी टॉप्स शेयर करने वाली हूं, जो कि इतने सारे हैं। 19 जून से अमेज़ॉन पे स्टार्ट हो रहा है अमेज़ॉन फैशन वार्डरोब रिफ्रेश सेल। जिनके पास भी प्राइम मेम्बरशिप है अमेज़ॉन की, वो इसका फ़ायदा 18 जून से ही उठा सकते हैं। तो गाइस, इतने अमेजिंग वाले डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स एंड डील्स मिलने वाली है कि उसे आने वाले फेस्टिवल्स के लिए मिस नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो टॉप है, तो ये 10 कलर बेसिकली अभी लेटली ना मेरा काफ़ी फेवरेट बन गया है। तो मेरे पास हैंडबैग है, मेरे पास फुटवेयर है, तो ये एक्चुअली आपको ऑरेंज दिख रहा है, बट ये इतना ब्राइट ऑरेंज नहीं है। ये 10 कलर है और ये क्रॉप टॉप है, और मुझे इसके स्लीव्स इतने इंटरेस्टिंग लगे एंड डिफरेंट लगे। तो ये मिनिमल भी है और यू नो पहन के आप ट्रेंडी भी लग सकते हो। स्लीव्स इतने मुझे अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे, एंड नीचे भी यहाँ पे थोड़े से फ्रिल भी यू नो ट्रेंडी लगता है। ये बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, काफ़ी थिक है, अच्छा है, और इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली है आपको। अब सेकंड टॉप की बारी आती है। ये आप ना मेरे वीडियोस में ऐसे सॉलिड यानी कि प्लेन कपड़े काफ़ी देखोगे, क्योंकि वो वर्सेटाइल होते हैं, एंड एक्सपर्ट्स भी हमेशा ऐसा कहते हैं कि आपके वार्डरोब में 80% जितने कपड़े बेसिक यानी कि प्लेन होने चाहिए। तो आप इतने अलग अलग तरीके से पहन सकते हो, और आपसे 5 साल के बाद भी ये टॉप आपको काम का होगा, और आप जितनी भी बार पहनोगे कभी भी रिपीट नहीं लगता है। तो ये आप देख सकते हो, ये आप क्रॉप टॉप की तरह पहन सकते हो, कोई साड़ी पे आप ब्लाउज़ की तरह भी पहन सकते हो। रेयॉन मटेरियल है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सी थ्रू नहीं है, वैसे काफ़ी थिक भी है, बट हाँ इसे अगर आप खुद से आयरन करते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रहा मेरा सेकेंड ट्रेंडी टॉप। अब आती है थर्ड टॉप की बारी, और वो प्लेन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे कपड़े ही प्लेन पहनती हूँ, लेकिन हो सके उसमें मैं लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकूँ। लेकिन ये प्रिंट मुझे बहुत ही क्यूट लगी, ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, ये इतना ज़्यादा गर्ली है एंड क्यूट लगता है, ट्रेंडी लगता है, एंड अगेन आप इसे टॉप की तरह भी पहन सकते हो। रानी पिंक प्लेन साड़ी के साथ आप इसे ब्लाउज भी बना सकते हैं। तो ये पीछे से यहाँ पे इलास्टिक है, और दो यहाँ से आप पूरा टाई कर सकते हैं इसे, तो ये बहुत ही ट्रेंडी लगेगा। और गले पे आप इसे ऑफ शोल्डर बना सकते हैं, या आप वैसे भी पहन सकते हैं। स्लीव्स है इसकी, वो भी काफ़ी क्यूट है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये छोटा सा इलास्टिक दिया गया है आपको। तो प्रिंट मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा कलर की भी वैरायटी थी, लेकिन मैंने ये वाला कलर लिया कि काफ़ी वाइब्रेंट एंड समरी स्प्रिंग फील देता है आपको। और ये बिल्कुल कॉटन है, इसमें तो आपको ज़रा भी गर्मी नहीं लगने वाली है। अब नेक्स्ट ये आया है टॉप, तो ये आपको बांधनी की डिज़ाइन में मिलेगा, फुल कॉटन है। ये देखिए, इस तरीके का स्लीवलेस है, एंड थोड़ा सा स्पेगेटी जैसा है ये टॉप, थोड़ा सा लॉन्ग है, एंड आपको ये बेल्ट भी दिए गए हैं। इसमें भी इतने सारे कलर के ऑप्शन थे, पर मैंने ब्लैक लिया। मैंने बोला ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्लिम दिखती हूँ इसमें। सो ये देखिए, ये डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो इस पर भी आप यू नो सिल्वर झुमकी पहन सकते हो, कोई नेकलेस पहन सकते हो, दो में से एक ही पहनना, दोनों साथ में मत पहनना वरना थोड़ा ओवर हो जाता है। बट आपको क्लासी या ट्रेंडी दिखना है तो दोनों में से एक ही पहनना, बहुत सही लगता है। मटेरियल इसका भी कॉटन है, आपको गर्मी नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट जो टॉप है, ये मैंने ऑफ शोल्डर मंगाया है। तो ये इस तरीके का है, पूरा प्लेन है, और ये आपको थोड़ा सा ब्राइट ऑरेंज दिख रहा है, बट ये बिल्कुल रेड है, परफेक्ट टोमेटो रेड कलर ये है। और यहाँ पे दो इस तरीके के स्ट्रैप्स हैं, और आप पहन सकते हो इस तरीके का। तो ये भी अगेन कॉटन है, बहुत ही अच्छी स्मूथ क्वालिटी है, एंड सारे जो टॉप्स हैं किसी में आपको कुछ इनर विनर नहीं पहनना पड़ेगा, काफ़ी थिक है। फिर नेक्स्ट जो टॉप है वो इस तरीके का ब्लैक कलर का है, और उसके ऊपर काफ़ी नो फ्लोरल प्रिंट है, और ये वी शेप का है इसका नेक, और इसकी जो स्लीव है वो भी आपको हाफ वे तक आएगी, और नीचे से ये थोड़ा सा फ्लेयर है इसका, एक पेपलम थोड़ा सा कह सकते हो आप। पहनती हूँ, पर प्रिंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, पर मैं ज़्यादातर प्लेन कपड़े लेती हूँ।
पर मुझे ये टॉप भी बहुत पसंद आया, काफ़ी क्यूट एंड गर्ली है। अब नेक्स्ट मैंने ये जंपसूट ऑर्डर किया है अपटाउनी से। तो आपने मेरे ये प्रीवियस वीडियो में ये वाला जंपसूट देखा है, पर मैंने ये दूसरी बार इसलिए मंगाया कि अनफॉर्चुनेटली मैं आयरनिंग करते वक्त मैंने ये लेफ़्ट साइड स्लीव यहाँ पे कर रही थी और वो जल गया। तो मुझे इतना दुख हुआ, पर मुझे लगा नहीं मैं दूसरा मंगाऊंगी, पर मैं ये वाला जंपसूट कभी मिस नहीं कर सकती हूँ। ये अगेन पूरा प्लेन है और पीछे आप देखोगे तो ज़िप यहाँ से लेके काफ़ी नीचे तक जाती है। इतना अच्छा फिट होता है और मुझे इतना स्लिम दिखाता है। कोई बड़े से इयररिंग्स पहन दो, यू नो स्टेटमेंट इयररिंग्स मल्टी कलर के पहन लो, या फिर गोल्डन के कुछ आप इयररिंग्स पहन लो, पर्ल्स पहन लो, ये इतना वर्सेटाइल है। और ये जंपसूट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मेरा फेवरेट है एंड ये जंपसूट आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसमें इतने ज़्यादा कलर, इसमें प्रिंट्स भी आती है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आया है। और ये क्या हो सकता है, ये पूरे यू नो मोर पंख बोलते हैं वो वाली डिज़ाइन है इसके अंदर। और ये कॉटन का स्कर्ट है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा देखते ही पसंद आ गया। और ये पूरा सी थ्रू नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये अच्छी खासी आपको लाइनिंग दी गई है। तो तब आप यू नो स्कर्ट्स पहनते हो ना तो इतना खुला खुला लगता है, इतना एरी लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने इस बार ये एक स्कर्ट भी ट्राई किया एंड ये मुझे इतना पसंद आया कि मैं चाहूँगी कि और ट्राई करूँ। तो गाइस आपको भी ये स्कर्ट डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, मुझे बहुत पसंद आया। ये यहाँ से इलास्टिक है और ये आपको एक डोरी भी दी गई है अच्छे से यू नो फिट करने के लिए कमर से। तो गाइस ये था मेरा ट्रेंडी टॉप्स का वीडियो हॉल फ्रॉम अमेज़ॉन। एंड अमेज़ॉन पे 19 जून से शुरू होने वाला है अमेज़ॉन फैशन वार्डरोब रिफ्रेश सेल। एंड प्राइम मेंबरशिप जिनके पास होंगी वो 18 जून से ही ये डील्स डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स इस वीडियो के नीचे होंगे, साइजेस एंड सब कुछ मैं दे दूँगी, आप पक्का चेकआउट करना। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।